कितने लोग बैठे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है टीपू सुल्तान का महल। हमारे साथ में है नितिका जी जो नंदी हिल से आई है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रैवल जॉकी में। आज हम लोग आए हुए हैं बेंगलुरु और बेंगलुरु में एकदम खास जगह पर आए हैं जिसका नाम है नंदी हिल्स। नंदी हिल्स में टीपू सुल्तान जी का वास हुआ करता था। कहते हैं कि यहाँ पर वो एक घोड़े से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जंप मारा करते थे। तो आज वही देखने आए हैं कि वो व्यू पॉइंट कहाँ पर है, कैसा है, क्या है नंदी हिल्स में, वो सब मैं दिखाऊंगा और आगे आपको नंदी हिल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या मस्त जगह है और एकदम पेड़ों के बीच में एकदम अंधेरा हुआ पड़ा है। कर्नाटका की नंदी हिल्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आज सैटरडे है और बहुत ही ज़्यादा रश है इधर। हर चीज़ का पैसा ले रहे हैं यहाँ पर, 150 रुपये एंट्री। और जो भी अगर नंदी हिल्स आ रहा है, अगर सनराइज देखने के लिए हमारी तरह आना चाहता है, हम लोग भी सुबह सुबह 4 बजे निकले थे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जैसे ही आप एंटर करते हैं नंदी हिल्स की तरफ, 8 किलोमीटर्स पहले गेट बंद है, वो 6 बजे सुबह गेट खुलता है और सनराइज़ का टाइम था 5:45 और 6 बजे गेट खुलेगा तो कोई मतलब ही नहीं। तो आप लोग आराम से निकलिए दोपहर के टाइम, सुबह सुबह आने का कोई मतलब नहीं इधर नंदी हिल्स में। सनसेट के लिए आइए, बढ़िया है। बाकी मौसम बहुत ठंडा है, पूरी ग्रीनरी है। टीपू सुल्तान का गढ़ बोला जाता है नंदी हिल्स को। और इसकी खास बात यह है कि ये नंदी जिनको हम लोग पूजा करते हैं नंदी जी की, उनकी शेप में बना हुआ है ये पहाड़। हमारे साथ में है नितिका जी जो नंदी हिल्स में आई है। नितिका सेठ, नितिका सेठ जी, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और आ गई हमारी बब्बी। बब्बी जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? कूल, अच्छे है ना नंदी हिल्स? वेरी नाइस, आपसे अच्छी, गजब बेइज्जती है। बाकी लोगों से भी मिलवाता हूँ आप लोग को, जो जो बैठे हैं हमारा पिकनिक। तो मेरा भाई जब आया चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। देखो मैंने जैकेट पहना है ना दूसरे का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सोनिया कैसा लग रहा है आपको इधर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। नंदी हिल लोगों ने बहुत इम्प्रोवाइज कर दिया है। वाओ, रमा जी हमारी बना रही है बढ़िया सैंडविचेस, ककड़ी टमाटर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बच्चे लोग बैठ चुके हैं और पवन और प्रतीक एंड नितिका, विक्रम सिंह, रमा, हरगुन, हरगुन हेलो करो, एंड सोनिया नमस्कार, हाय। एक एक सैंडविच के लिए ऐसे दे रही हूँ ताकि वो गीला भी हो तो खत्म ना जाए।
the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go. Is this a tree house? But where is the छत? अरे कहना क्या चाहते हो? अब हम आपको दिखाएंगे पत्थरों का पहाड़ है। Sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on. देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से पूरा बेंगलोर शहर दिखता है यहाँ से। और ये लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, और बहुत ही सुंदर जगह है। खाली ये है कि यहाँ पर मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चार्जेस हैं। एंट्री चार्जेस 150 रुपीज़, पार्किंग चार्जेस, देन टॉयलेट के अंदर जाने के लिए भी 5 रुपीज़ देते हैं, तो वो बहुत एक प्रॉब्लम है। बाकी सुंदर जगह है, मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक टेंपल मैंने आपको दिखाया, नंदी टेंपल है, गणपति जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर था। बहुत ही बढ़िया जगह है, कभी भी आइए और एंजॉय करिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है टीपू सुल्तान का महल। सोचिए कितने कई सौ साल पहले टीपू सुल्तान यहाँ आया करता था समर के टाइम पे। कितने लोग बैठे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये देखिए कितना लंबा स्कूटर है, कितने लोग बैठे हैं। रितिका तू बोली थी 7 लोग कैसे जाएंगे स्कूटी में, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देख लिया और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैंने आपको कई बार बोला है कि हरकत में ही बरकत है। ये जो आपको नीचे बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, इसको दबाइए, हरकत करिए, बरकत होगी। इसी के साथ आपका होस्ट और दोस्त अमित सेठ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। खत्म, bye bye, tata, goodbye, gaya. Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left, the
The storms we chase are leading us.